दोस्तों आज T20 वर्ल्ड कप का 18वां मैच खेला जा चुका है और दोस्तों ये मैच साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया था। इस मैच में जहां साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का फैसला किया था और वहीं जब इसके बाद वेस्ट इंडीज की टीम पारी की शुरुआत करने उतरी तो दोस्तों उनकी शुरुआत काफी बेहतरीन रही थी। जहाँ दोस्तों एक तरफ इवन लुइस काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग कर रहे थे तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ लैंडन सिमंस काफी धीमी गति से रन बना रहे थे और दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों ने जहां पहले विकेट के लिए 73 रनों की पार्टनरशिप करी थी, जहां दोस्तों इस बीच इवन लुइस ने अपने 50 रन भी पूरे कर लिए थे, लेकिन दोस्तों पहला बड़ा झटका 11वें ओवर में केशव महाराज ने देते हुए इवन लुइस को आउट कर दिया था और लुइस 56 रन बनाकर आउट हुए थे। वहीं दोस्तों इसके बाद बैटिंग करने उतरे निकोलस पुरन काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग कर रहे थे, लेकिन दोस्तों उनको भी केशव महाराज ने आउट कर दिया और पूरन 12 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां दोस्तों इसके बाद 14वें ओवर में कगिस्टो रबाडा ने लिंडन सिमंस को भी क्लीन बोल्ड मार दिया था और दोस्तों सिमंस काफी धीमी गति से रन बना रहे थे और उन्होंने मात्र 35 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां दोस्तों इसके बाद क्रिस गेल और काइरन पोलार्ड ने इसके बाद वेस्ट इंडीज की पारी को काफी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाया, लेकिन दोस्तों 121 रन के स्कोर पर ड्वेन पेट्रोइस ने क्रिस गेल को आउट कर दिया था और क्रिस गेल 12 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां दोस्तों इसके बाद अगले ही ओवर में एंड्रिक नोकिया ने आंधी रसल को भी बोल्ड मार दिया था और दोस्तों रसल 5 रन बनाकर आउट हुए थे। तो वहीं दोस्तों इसी ओवर में सिमरन हिंडमायर भी 1 रन बनाकर रन आउट हो गए थे और वहीं दोस्तों इसके बाद आखिरी ओवर में ड्वेन पेट्रोइस ने एक ही ओवर में काइरन पोलार्ड और हाइडन विलेंस को आउट कर दिया था, जहां दोस्तों पोलार्ड 26 रन बनाकर आउट हुए थे। वहीं दोस्तों इसके बाद 20 ओवर का खेल खत्म होने के बाद वेस्ट इंडीज की टीम ने 8 विकेट खोकर 143 रन बनाए, जहां दोस्तों साउथ अफ्रीका की तरफ से ड्वेन पेट्रोइस ने 3 विकेट झटके, वहीं केशव महाराज को 2 विकेट हाथ लगी तो वहीं कगिस्टो रबाडा और एंड्रिक नोकिया ने 1-1 विकेट झटका था। और वहीं दोस्तों जब इसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो दोस्तों उनकी शुरुआत कुछ ज्यादा खास नहीं रही थी, क्योंकि दोस्तों पहली ही ओवर की आखिरी गेंद पर आंद्रे रसल ने टेम्पा बबुमा को आउट कर दिया था और बबुमा 2 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद रिजा हेंड्रिक्स और डार्वेन डूसन ने साउथ अफ्रीका की पारी को काफी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाया और इन दोनों बल्लेबाजों ने 8वें ओवर में ही साउथ अफ्रीका का स्कोर 50 रन के पार पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों इसके बाद 61 रन के स्कोर पर साउथ अफ्रीका को दूसरा बड़ा झटका अकील हुसैन ने देते हुए रिचा हेनरिक्स को आउट कर दिया था और रिचा हेनरिक्स 39 रन बनाकर आउट हुए थे। और वहीं दोस्तों इसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम को आखिरी 2 ओवर में ये मैच जीतने के लिए 7 रन बनाने थे, लेकिन दोस्तों जब 19वां ओवर आंद्रे रसल डालने आए थे तो उनकी पहली ही गेंद पर एडिन माकरी ने छक्का मारकर पहले अपने 50 रन पूरे किए मात्र 25 गेंदों में और उसके बाद अगली ही गेंद पर सिंगल लेकर इस मैच में साउथ अफ्रीका की टीम को जीत दिलवा दी और साउथ अफ्रीका की टीम ये मैच 8 विकेट से जीती है। जहां साउथ अफ्रीका की तरफ से एडिन माकरी 51 रन बनाकर नॉट आउट रहे, वहीं दोस्तों वैंडर डूसन 43 रनों की पारी खेलकर नॉट आउट रहे और दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम ये मैच जीत चुकी है 8 विकेट से।